हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों और बंधुओं को मेरा प्यार और नमस्कार। आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनएकेडमी पर, जहां पर आपको मेरे साथ साथ कई टॉप एजुकेटर जिनमें मृणाल पटेल, सुदर्शन गुर्जर, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, बहुत सारे टॉप एजुकेटर इस मंच पर हैं जिनसे आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है। यूपीएससी सीएससी 2020 का जो अंततः परिणाम, जो अंतिम परिणाम आया, उसमें सेकंड रैंक प्राप्त करने वाली जागृति अवस्थी, सत्यम गांधी, अपाला मिश्रा, गौरव, करिश्मा, अर्थ एंड पोडी सेट्टी, मिस टॉप 20 में 7 बच्चे हमारे ही यहाँ से थे। एंड बेटा, सभी लोग बेटा सेशन को शेयर कर दीजिए। एक मिनट, मैं भी सेशन को शेयर कर दे रहा हूँ बेटा, ताकि सभी बच्चे जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं बेटा। बिल्कुल बेटा, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि रैंकर्स इन टॉप 50 में 15 बच्चे एंड 170+ अन एकेडमी लर्नर्स हैव क्रैक इट। मैं विपिन मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ यूनिक आईएएस इंस्टीट्यूट प्रयागराज। मैं 5 वर्षों से अधिक समय हो चुका है कि दिल्ली तथा प्रयागराज के विभिन्न संस्थाओं में ज्योग्राफी ऑप्शनल एवं जीएस पेपर पढ़ा रहा हूं। 9th मंथ कॉम्बो टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, जिसमें आपको 28+10% डिस्काउंट मिल रहा है, और उसके बाद 1 वर्ष की फीस 45 या 675 रुपये होगा। यदि आप 3 मंथ फेस्टिवल कॉम्बो ले रहे हैं तो 10% ऑप्शनल एवं 10% हमारी कोड, हमारा जो रेफरल कोड है ये है BIPIN10, VIPIN10। इसका प्रयोग करने पर आपको 10% और उसके बाद 3 महीने की जो फी होगी 28,350 रुपये होगी। वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, जिसमें आपको जीएसएम ऑप्शनल, आइकोनिक जीएसएम ऑप्शनल में आपको 35% डिस्काउंट के साथ डिस्काउंट मिल रहा है, और उसके बाद 1 वर्ष की फीस 57,704 रुपये, 2 वर्ष की फीस 78,000 रुपये के समथिंग। एंड आइकोनिक जीएसएम ऑप्शन की फीस है, 2 वर्ष जीएसएम ऑप्शन की फीस 82,000 के समथिंग है, और आइकोनिक जीएसएम ऑप्शन की 2 वर्ष की फीस 1,20,255 रुपये है। साथ ही में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है 21 ऑप्शनल टेस्ट एवं 80 टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के। हमारे यहाँ प्रत्येक संडे को सुबह 11 बजे अनएकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चन करने हैं। स्कॉलरशिप फ्रॉम ए पूल ऑफ 10 करोड़ रुपए प्लस, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये कुछ नीड्स होती हैं और इन सभी नीड्स को कंप्लीट कराता है हमारी संस्थान, हमारी एकमात्र संस्थान अनएकेडमी। अनएकेडमी एकमात्र ऐसी संस्था है जो ये सभी कुछ आपको उपलब्ध करा रही है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, एवेलेटेड टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टर सेशन, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सभी कुछ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। रेज हैंड, जो कि जिनसे आप बेहतर कंफर्ट करेंगे ऑफलाइन संस्थानों से। एक ऐसा प्रोग्राम है कि आप सीधे, जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सीधे आप हमसे बात करेंगे और अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे। ये जो प्रोग्राम है ये ऑफलाइन से कहीं आपको बेहतर फील कराएगा और कहेगा हाँ ये तो सबसे अच्छा है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। एंड यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको अलग से दी जाएंगी, और प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस एंड स्ट्रक्चर कोर्सेस की सुविधा दी जाएगी। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हमारे रेफरल कोड BIPIN10 यूज करने पर आपको 10% की छूट मिलेगी, और 10% की छूट के बाद 1 वर्ष की फीस 44,550 रुपये होगी। यदि आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, BIPIN10 यूज करने पर 10% डिस्काउंट आपको यहाँ भी मिलेगा, और उसके बाद 1 वर्ष की फीस 67,050 रुपये होगी। ऑप्शनल की फीस 27,500 रुपये है, BIPIN10 यूज करने पर 10% डिस्काउंट 24,750 रुपये। ऑप्शनल बैचेज बेटा ये 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर बैचेज, एंड 18 अक्टूबर से क्वालिटी इन्हांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये आपके साथ है बेटा, आपके सामने है एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। आप लोगों का थोड़ा सा बेटा मैं देख ले रहा हूं,
चलिए बेटा, सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए और अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है बेटा। ओके बच्चे, एक मिनट बेटा, मैं आप लोगों के कमेंट को देख ले रहा हूं। ओके चलिए बच्चे, लेखराज, राम कुमार, प्रियांशु कुमारी, गुड इवनिंग बेटा। सभी बच्चे एक बार ये बताएं, सबसे पहले क्लियर करें, क्या धात्विक उद्योगों में, ये बेटा जो आपको यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है बेटा, ये क्लियर हो रहा है? छोटा तो आपको नहीं दिख रहा है? सबसे पहले तो बच्चे ये क्लियर करेंगे, क्या ये आपको छोटा तो नहीं दिख रहा है? ओके, चलते हैं बेटा, देखते हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री क्या होता है बेटा। यदि हम कहें धात्विक जो उद्योग हैं, जो धात्विक इंडस्ट्री हैं, इन धात्विक इंडस्ट्री में लौह इस्पात उद्योग के बाद एल्यूमिनियम जो उद्योग हैं, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक है। और भारत यदि देखा जाए तो इस एल्यूमिनियम उत्पादन पर या एल्यूमिनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर राष्ट्र है। मिस दो बातें यहां पर कि धात्विक उद्योगों में लौह इस्पात के बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है और भारत इस उद्योग में आत्मनिर्भर है। एल्यूमिनियम उद्योग सामान्यतः विद्युत उत्पादन संयंत्रों के समीप स्थापित किए जाते हैं। क्यों ऐसा स्थापित किए जाते हैं? क्योंकि इनमें बृहद स्तर पर ऊर्जा की खपत होती है। जब जहां पर बेटा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सभी लोग बेटा सेशन को शेयर करते हुए और हर बिंदुओं पर यहाँ ध्यान से देखेंगे, जहां पर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लगाई जाती है, वहां पे इसके लिए मिस इस संयंत्र के लिए आवश्यक है अत्यधिक ऊर्जा। और इसलिए अत्यधिक ऊर्जा के कारण ये मुख्यतः वहीं पर स्थापित की जाती हैं जहां पर विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। एंड दिस इज नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करें तो हम ये कहेंगे कि भारत में एल्यूमिनियम जो उद्योग है, भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना का क्रम 1937 में एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत में जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, इस एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की स्थापना 1937 में एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जेके नगर, पश्चिम बंगाल की स्थापना के साथ आरंभ हुआ। जेके नगर बेटा, आपको बुक में जेके नगर मिलेगा, जेके नगर कहां है? पश्चिम बंगाल। की स्थापना के साथ आरंभ हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड जो फिफ्थ ईयर प्लान था, इसमें हीराकुंड उड़ीसा, रेणकूट उत्तर प्रदेश में दो नवीन संयंत्र की स्थापना हुई। पहला पॉइंट, 1937 में एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना पश्चिम बंगाल में जेके नगर में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हीराकुंड उड़ीसा और रेणकूट उत्तर प्रदेश में, ये आप मीन्स उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में दो नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई। तीसरी यदि हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो मेट्टूर तमिलनाडु, और चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कर्नाटक के बेलगाम में नवीन एल्यूमिनियम जो संयंत्र हैं, इनकी स्थापना की गई है। मीन्स सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो आपका पहला जवाब, पहला उद्योग पश्चिम बंगाल, दूसरा आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश में, तीसरी में तमिलनाडु, और चौथी में कर्नाटक के बेलगाम में, कर्नाटक के बेलगाम में एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना की गई है। बात क्लियर हुआ? अगला बिंदु समझते हैं बेटा। अगले बिंदु पे यदि हम चर्चा करें तो हम ये कहेंगे कि आखिर में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे आप हिंडल्को कहते हैं, इस हिंडल्को का कारखाना क्या है? तो रेणकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश, रेणकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश इसका प्रमुख कारखाना है। एंड सेकेंड बिंदु, बॉक्साइट की प्राप्ति इसे कहां से होती है? तो आपका जवाब होगा झारखंड के लोहरदगा, रांची व पलामू जिले, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ राज्यों से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है।
तो दो बिंदु आपको विशेष ध्यान देना बेटा। आखिर में कारखाना कहाँ से? तो रेणकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश। बॉक्साइट की प्राप्ति झारखंड के लोहरदगा रांची व पलामू जिले तथा उड़ीसा व छत्तीसगढ़ राज्यों से इसके लिए बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। और ऊर्जा की मीन्स हमने अभी आपको बताया, इसके लिए आवश्यक है कि ऊर्जा की अत्यधिक खपत। तो ऊर्जा की खपत इससे कहाँ प्राप्त होती है? ऊर्जा की प्राप्ति तो रिहंद जल विद्युत परियोजना से। रिहंद जल विद्युत परियोजना से हिंडाल्को को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इसका जो सहयोगी देश है वो यूएसए है। जो सहयोगी देश है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। बस समझ आ रही है? अगला बिंदु में बात करें, अगला है एक बाल को जिसमें भारत एल्यूमिनियम कंपनी, भारत एल्यूमिनियम जो कंपनी लिमिटेड जिसे आप बालको की संज्ञा करते हैं, इसका कारखाना पहले कहाँ है? आप कारखानों पर, तो कारखाना आप जो कोरबा छत्तीसगढ़। बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ? अमरकंटक पहाड़ी से। जो बालको को मिस भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को जो बॉक्साइट की प्राप्ति अमरकंटक पहाड़ी से इसे आपूर्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति एनटीपीसी, एनटीपीसी के स्थानीय संयंत्र से होती है। तथा रत्नागिरी महाराष्ट्र, बॉक्साइट की प्राप्ति महाराष्ट्र के क्षेत्र से। ऊर्जा की प्राप्ति कोयना जल विद्युत परियोजना से, सतारा एवं महाराष्ट्र। सतारा एवं महाराष्ट्र ऊर्जा की प्राप्ति कोयना जल विद्युत, सतारा महाराष्ट्र। तो आप इन बिंदु पर भी विशेष गौर करेंगे। अगला एक महत्वपूर्ण है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसे आप नालको कहते हैं, इसका कारखाना कहां पर है? तो आपका जवाब होगा दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा। दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा। बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है? दूसरा बिंदु ये होता है कि बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से, तो ये भी आपका जवाब होगा कोरापुट से। बॉक्साइट की प्राप्ति कोरापुट से होता है। एंड अंगुल उड़ीसा से प्राप्ति होती है। बॉक्साइट की प्राप्ति कोरापुट अंगुल उड़ीसा। महानदी घाटी में कोयला और ब्राह्मणी नदियों से जल प्राप्ति होता है। सहयोगी देश कौन सा है? सहयोगी देश यदि हम बात करें तो फ्रांस इसका सहयोगी देश है। नालको का जो सहयोगी देश है वो फ्रांस है। दूसरा आपने हमने आपको बताया कि जो जो हिंडल्को है इसका जो सहयोगी देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है। ठीक है, अगला बिंदु ध्यान देते बेटा। अगला है यहां पर, अगला है मालको मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसे आप मालको कहते हैं। बिल्कुल बेटा, तो आखिर में मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसे मालको कहा जाता है, इस मालको का कारखाना कहाँ पे है? तो आपका जवाब होगा मेट्टार में। एंड कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। जल विद्युत मेहर परियोजना से एवं बॉक्साइट सेवराय पहाड़ी से। सेवराय बेटा, सेवराय पहाड़ी है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। सेवराय पहाड़ी से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। सहयोगी देश कौन सा है? इटली है। आप इस बिंदु को बेटा, आपसे हो सकता है कि मिलान के क्रम पूछ लिया जाए कि मालको, बालको, हिंडल्को इसका सहयोगी देश कौन सा है। तो सहयोगी देश कौन सा है? इटली। वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड कारखाना तो झारसुगड़ा लंजीगढ़ उड़ीसा। सहयोगी देश जर्मनी। जो सहयोगी देश है वो जर्मनी। तथा अगला एक है बहुत ही महत्वपूर्ण जो उद्योग है वो है कॉपर इंडस्ट्री। कॉपर इंडस्ट्री क्या है? पहले बस समझिए तांबा क्या है। तो आप एक शब्द में कहते हो कि तांबा जो है ये भारत का प्राचीनतम धातुविक उद्योग है। और तांबे की जो शुरुआत हुई आप लोगों को बता बेटा कहाँ से शुरुआत हुई? तांबे वास्तव में देखा जाए सबसे पहला जो धातु का प्रयोग किया जाने वाला जो धातु था वो तांबा ही था, कॉपर था। और यदि आपने इस प्रकार आपने पढ़ा होगा बेटा हड़प्पा काल, तो आप लोगों ने वहां तांबा का जिक्र किया है और हमने आपको बताया भी है बेटा। तो तांबा भारत का प्राचीनतम धात्विक उद्योग है।
लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, इन दोनों के बाद भारत में तांबा उद्योग प्रमुख धात्विक उद्योग हैं। किंतु भारत तांबे के मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु चिली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील व जाम्बिया से आयात करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तांबा वास्तव में देखा जाए तो लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग के बाद तांबा उद्योग भी ये एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन इसकी मांग बहुत ज्यादा है। कॉपर की मांग अत्यधिक होने के कारण इसका हमें आयात करना पड़ रहा है, और आयात कहाँ से? आयात इसको हम चिली से कर रहे हैं, दूसरा ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, ब्राजील से कर रहे हैं। ये आपका ब्राजील है, तो चिली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यहां से इसका हम निर्यात कर रहे हैं, सॉरी आयात कर रहे हैं। मिस कॉपर इज द ओल्डेस्ट मेटल, ये हम कहें तो मेटलूर ग्लेशियर इंडस्ट्री इन इंडिया एक प्राचीनतम धात्विक उद्योग है। एंड अगले बिंदु की चर्चा करें, भारत में प्रमुख तांबा की जो इकाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहले जैसे हमने कहा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये इसकी तांबा इकाइयां हैं, प्रमुख तांबा इकाइयां, और इसका प्रगलन संयंत्र तो आपका जवाब होगा मलाजखंड मध्य प्रदेश, खेतड़ी, चांदमारी, झुंझुनू, दरीवा। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इसका प्रगलन संयंत्र जो है वो तुथुकुडी तमिलनाडु में है। कहां पर है? तो आपका जवाब होगा कि इसका जो प्रगलन संयंत्र है वो तुथुकुडी तमिलनाडु में है। बेटा एक मिनट, थोड़ा सा मैं आप लोगों का कमेंट देख लूं, काफी देर हुआ मैं आप लोगों का कमेंट नहीं देखा अभी तक। ओके ओके, प्रियांशु कुमारी, ओके बच्चों, प्रियांशु, प्रतिमा, राम कुमार, लेखराज, ओके बच्चों, अगला बिंदु समझते हैं। ये वेदांता ग्रुप की कंपनी है, जो स्टेलाइट इंडस्ट्रीज है ये वेदांता ग्रुप ग्रुप की कंपनी है। अगला महत्वपूर्ण है झाबड़िया कॉपर लिमिटेड, प्रगलन संयंत्र भरूच गुजरात में है, भरूच जो इसका प्रगलन संयंत्र है। एंड दूसरा है एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है सीसा या लेड इंडस्ट्री। अब आपके मन में उठ रहा होगा, सर सीसा उद्योग का उपयोग कहाँ किया जाता है या किस में क्या किया जाता है? तो जो लेड इंडस्ट्री है, जो सीसा उद्योग है, इसका प्रयोग कांच में बनाने में, बैटरी, रबड़, प्रिंटिंग, बिजली के कंबल आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं आपके सामने सीसा उद्योग लेड इंडस्ट्री है। भारत में सीसा का उत्पादन कम होने के कारण शीशे का आयात किया जाता है। पहला बिंदु, शीशे का आयात, भारत में शीशा का उत्पादन कम होने के कारण शीशे का आयात किया जाता है। ये पहला बिंदु आपको याद रखना है। एंड दिस इज सेकेंड बिंदु, लेड इज मेनली यूज इन मेकिंग ग्लास, बैटरीज, रबड़, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, ईटीसी। लेड इज इंपोर्टेड इन इंडिया ड्यू टू लो प्रोडक्शन ऑफ लेड। एंड दिस इज नेक्स्ट बिंदु, सीसा उद्योग के प्रमुख प्रगलन केंद्र, जैसे पहला आपको ध्यान देना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका मुख्यालय उदयपुर राजस्थान, अन्य इकाइयां जैसे तुंडू, धनपा झारखंड, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चंदेरिया राजस्थान, इसके प्रमुख अन्य इकाइयां हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका जवाब होगा उदयपुर राजस्थान में इसका मुख्यालय है। बिल्कुल बेटा। एंड दिस इज सेकेंड बिंदु के बाद हम चर्चा करें तो हम यही कहेंगे। बिल्कुल बेटा, इंडियन लेड लिमिटेड प्रमुख संयंत्र कोलकाता पश्चिम बंगाल व थाड़ी महाराष्ट्र में है। ये प्रमुख जो संयंत्र है कोलकाता पश्चिम बंगाल व थाड़ी महाराष्ट्र में। इंडियन लेड लिमिटेड मेजर प्लांट्स एट कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड थाने महाराष्ट्र, जो मेजर प्लांट्स हैं एट कोलकाता। एंड दिस इज अगली इंडस्ट्री है आपकी जिंक, जिंक इंडस्ट्री जिसे आप हिंदी में जस्ता उद्योग कहते हैं। जस्ता उद्योग, जस्ता एक जंग रोधी धातु है,
इसमें बेटा जंग लग जाता है और इसकी जंग रोधी, ये एक जंग रोधी धातु है, इसलिए इसका जो उपयोग है इस्पात उद्योग में इस्पात को जंग रोधी बनाने हेतु किया जाता है। जैसे यदि मान लीजिए जो ये जंग मिला दिया जाए तो उसमें जो जंग लगने की क्रिया होती है तो वो क्या होती है, वो इसको नहीं लगने देती है, उसका विरोध करती है। मिस यदि हम कहें जिंक इज द रस्ट प्रूफ मेटल सो इट इज यूज इन द स्टील इंडस्ट्री टू मेक स्टील रस्ट प्रूफ, इसे जंग रोधी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला बिंदु, भारत में प्रमुख जस्ता प्रगलन केंद्र कौन कौन से हैं? अलुवा, केरल कौन से हैं? तो इसका जो प्रगलन केंद्र और दूसरी तरफ कंपनी है। आखिर में जो अलुवा केरल, इसका या अलुवा केरल जिसे प्रगलन केंद्र है इसमें कहाँ का, तो आपका जो बिनानी इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का प्रगलन केंद्र केरल। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका जो प्रगलन केंद्र है वो देवारी राजस्थान। जिंक लेड स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसका जो प्रगलन केंद्र है चंदेरिया राजस्थान। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये कुछ प्रमुख जस्ता प्रगलन केंद्र हैं और कुछ ये कंपनियां हैं। ये कंपनियां जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख जस्ता प्रगलन केंद्र या जस्ता प्रगलन कंपनी है। अगला मेजर जिंक, यहाँ पे आप वही चीजें लिखी है बेटा। दिस इज नेक्स्ट बिंदु, वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, व्हाट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्या है वस्त्र उद्योग, क्या है? जब वस्त्र उद्योग की बात आती है बेटा तो आप लोगों को जो माइंड सेट है वो एंशियंट हिस्ट्री और उसके बाद आपको जाता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा वस्त्र उद्योग, पढ़ा है। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ देश का सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग है। ये अत्यधिक प्राचीन है नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ यदि हम कहें, यदि हम बात करें तो हम यह भी कहेंगे कि यह जो उद्योग है ये सबसे संगठित और व्यापक उद्योग है, सबसे संगठित और व्यापक उद्योग है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी, ऊनी, जूट आदि प्रमुख उद्योग हैं और इन प्रमुख उद्योगों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। एंड दिस इन अगला बिंदु यदि हम चर्चा करें तो सूती वस्त्र उद्योग, भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कोलकाता के पास पोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। मीन्स यहां पर देखिए बेटा, भारत में जो प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1818 में कलकत्ता के पास पोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई लेकिन सफल नहीं हो सकी, सफल प्रयास के रूप में 1854 में 1854 में 1854 में सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार प्रतिमा राम कुमार, अगला बच्चे समझिए, के रूप में कौशजी डापर द्वारा मुंबई में एक आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की नींव रखी गई है। ये भी आपको बेटा, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की निकटता, पूंजी बंदरगाह, सस्ते कुशल श्रमिकों की उपलब्धता आदि सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं। जैसे यदि हम बात करें तो वर्तमान में तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है। क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर में जो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र मिल है, सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु। सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो प्रमुख उद्योग महाराष्ट्र हैं। यदि आप देखोगे इस प्रकार तो आपका जवाब होगा कि ये तो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में सोलापुर, पुणे, नागपुर, जलगांव, वर्धा, अकोला, कोल्हापुर, सांगली, सतारा आदि ये प्रमुख हैं। दूसरा आप जाओगे दिस इज ये गुजरात है, ये आपका गुजरात है। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, भरूच, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, कलोल, नदियाड, मोरवी, वीरमगांव
आदि प्रमुख गुजरात में है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरई, तिरुनवेली, तुथुकुडी ये मुख्य इसके क्या है, प्रमुख केंद्र हैं। तो आप यहां से सूत्री वस्त्र जो उद्योगों के प्रमुख केंद्र बिंदु हैं इन पर आपको फोकस रखना है। उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो आपका जो कानपुर होगा, मुरादाबाद, मोदीनगर, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा, रामपुर, इटावा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी आदि। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, सोदेपुर, श्रीरामपुर, श्यामनगर, मुर्शिदाबाद इत्यादि हैं। तथा पंजाब में यदि बात करें तो लुधियाना, अमृतसर, फगवाड़ा आदि आदि ये प्रमुख केंद्र हैं। अगला एक महत्वपूर्ण उद्योग है रेशम वस्त्र उद्योग। सभी लोग बेटा सेशन को एक बार और शेयर कर दीजिए बेटा, बहुत ही कम बच्चे हैं बेटा। ठीक है, प्रियांशु कुमारी एंड ओके राम कुमार अलूवाला, लेखराज सिंह और प्रियांशु, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और सभी बच्चे बेटा कमेंट करके जवाब दीजिए कौन सा कथन सही है। ओके चलिए बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब बेटा। भारत में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन की एक लंबी परंपरा रही है। रेशम वस्त्र उद्योग में भारत में जो रेशमी वस्त्र हैं इनके उत्पादन में एक लंबी परंपरा रही है। भारत रेशम उत्पादन के क्षेत्र में रेशम उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक उत्पादक देश है। जैसे यदि हम बात करें और रेशम की ज्ञात पांच वाणिज्यिक जो किस्में हैं जिसमें मलबरी, मूगा, इरी, ट्रॉपिकल, टसर, ओक टसर का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र देश है। यदि हम इस पे बात करें तो भारत एकमात्र ऐसा देश है। ओके बेटा अगला बिंदु सुनिए। मृगा रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। भारत में लगभग 97% शहतूत मलबरी रेशम का उत्पादन पांच राज्यों कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में होता है। मिस जो भी उत्पादन होता है उसका 97% उत्पादन यहीं पर होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा। एंड दिस इज नेक्स्ट बिंदु। वर्ष 2019 और 20 में राज्यवार कच्चे रेशम के उत्पादन में क्रमशः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मेघालय अग्रणी राज्य रहे हैं। ये अग्रणी राज्य रहे हैं। आरंभिक समय में भारत में रेशमी वस्त्रों का निर्माण एक कुटीर उद्योग जो रेशमी वस्त्र उद्योग है, इस रेशमी वस्त्र का निर्माण एक कुटीर उद्योग के रूप में हुआ है और जिसका निर्यात मध्य पूर्व एवं यूरोप के अनेक देशों में होता था। अनेक देशों में इसका बेटा ये देखने को मिला है। एंड दिस इज नेक्स्ट बिंदु के बाद हम का बात करें रेशम वस्त्र के प्रमुख बेटा। इसमें बेटा कुछ विशेष का समझाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर बेटा आपको केवल और केवल कुछ बिंदु हैं जैसे रेशम वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, इसके उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, इसलिए यहाँ पे बहुत कुछ समझाने वाली बात नहीं है बेटा। जैसे आप इसके प्रमुख केंद्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आपको ये चार राज्य जरूर याद रखना बेटा। ये चार राज्य आपको याद रखना है। ये ना याद रहे फिर भी काम चलेगा, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि रेशम वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल हैं ये प्रमुख। और सभी बच्चे बेटा ये समय पर सेशन को ज्वाइन करें। बेटा हमारी क्लासेस 4 PM से लेकर के
आपको 4 मिस, 4:05, 4:05 तक जरूर स्टार्ट हो जाएगी बेटा, यदि कोई विशेष तकनीकी खराबी नहीं आई तो। और बेटा ये जो तकनीकी खराबी है कहीं 2, 4, 6 महीने में एक बार होती है, ठीक है मोहम्मद कलाम। ओके बेटा, तो इस प्रकार आप लोग समय पर ज्वाइन करेंगे तो आपको लाभ अलग मिलेगा। अगला बिंदु समझिए, रेशम वस्त्र उद्योग पंजाब में है, हमने ये बताया, जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग, श्रीनगर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश वाराणसी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर में रेशम वस्त्र उद्योग को लगे हुए हैं। अगला एक महत्वपूर्ण है, आप लोग यहां पर देख रहे हैं, दिस इज ऊनी वस्त्र उद्योग, जिसे आप कहते हैं वोलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत में जो ऊनी वस्त्र उद्योग हैं अपने आरंभिक समय में, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग अपने आरंभिक समय से कुटीर उद्योग के रूप में इसे जाना जाता था। जैसे यदि आप ठंडियों के महीने में आप देखोगे ऊनी वस्त्रों का प्रयोग आप ज्यादा करोगे, जैसे आप विभिन्न प्रकार के, जैसे शॉल आता है, कंबल यूज करोगे, शॉल, कंबल, कलोने, नमदा, लुई आदि का प्रयोग किया जाता है। भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना 1876 में कानपुर में की गई थी और दूसरी 1881 में, 1881 में धौरीवाल पंजाब में स्थापित हुई। तो ये बिंदु आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ हुई, कानपुर में 1876 में, दूसरी कहाँ हुई, पंजाब धारीवाल 1881 में। एंड दिस नेक्स्ट बिंदु की हम चर्चा करें, ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये हमने बात बता ही दिया आपको। अगला है एक महत्वपूर्ण उद्योग है, वो है जूट उद्योग। आप यहां से देख रहे हैं कि विभिन्न जूट इंडस्ट्री हैं। जूट उद्योग एक कच्चा माल आधारित उद्योग है। पहला बिंदु यही आपको ध्यान देना है कि जो जूट उद्योग है ओके, तो ये बिंदु आपको पहले बेटा ये ध्यान देना होगा कि आखिर में बेटा एक बार मैं प्रेम प्रकाश पूनावत जी क्या कह रहे बेटा, बिल्कुल बेटा हम विश्व की जो धाराएं हैं बिल्कुल हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जूट उद्योग एक कच्चा माल आधारित उद्योग है, यही कारण है कि जूट के अधिकांश उद्योग पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादक क्षेत्रों के समीप स्थापित किए गए हैं। यहां पे यदि आप देखोगे इस स्थिति को तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। इस पश्चिम बंगाल में यहाँ पे स्थापित होने का कारण यह है, चूंकि कच्चा माल आधारित उद्योग है और आप लोगों के यहाँ भी हो सकता है आप लोगों ने इसको देखा हो। एंड या तथा पश्चिम बंगाल देश में सर्वाधिक जूट सामानों का उत्पादन करता है। जूट जूट से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में जूट के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है तथा भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, मीन्स यदि हम कहें प्रोडक्शन के मामले में पहला स्थान है और एक्सपोर्ट के मामले में देखा गया तो इसका सेकेंड पोजिशन है। मीन्स इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट एंड जूट प्रोडक्ट एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, ये दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है, ये निर्यातक देश है। भारत का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा सन 1855 में रिसरा कोलकाता के पास स्थापित किया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। भारत का प्रथम जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका जवाब होगा रिसरा कोलकाता में। और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जूट का उत्पादन करने वाला राज्य है इस समय। एंड दिस इज नेक्स्ट बिंदु, प्रमुख जूट उत्पादक केंद्र पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। बेटा आपको राज्य याद रखना है, जूट उत्पादक कौन कौन देश है, अब ऐसे आपको याद रखना बेटा, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो आपको बिहार दिखेगा, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश,
और उसके बाद एक आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार प्रमुख जूट उत्पादक यह केंद्र है। एंड दिस इज सेकेंड बिंदु, विशेष क्या है, जो पश्मीना कन की प्राप्ति होती है बकरी में, अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है खरगोश से, भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना स्थापित किया गया कानपुर में। ओके, कन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान, रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक। ये आप याद रखोगे बेटा, ये आपके दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका जवाब होगा ऊन है तो कहाँ, कानपुर में। एंड दिस इज नेक्स्ट बिंदु, जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में अवस्थित है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन जेनेवा। अंतरराष्ट्रीय जो मानक संगठन है वो जेनेवा में स्थित है। और इस प्रकार बेटा ये आप लोगों का, ये आपका बेटा सेकेंड, ये आपका इंडस्ट्री से संबंधित सेकेंड लेक्चर था। आप लोगों ने इसको बहुत विधिवत से हर एक बिंदुओं पर देखा। कल हम लोगों की क्लासेस, इंडस्ट्री पर 3 क्लासेस होगी, और क्लासेस का जो समय होगा बेटा मान के चलिएगा कि 4 से 6 तक होगा। 2 घंटे की क्लासेस होगी कल, कल 2 घंटे की क्लासेस होंगी। तथा साथ ही साथ में जिन भी बच्चों को बेटा सब्सक्रिप्शन लेना है, तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारे रेफरल कोड, हमारा जो रेफरल कोड है BIPIN10, जब भी बेटा आपको सब्सक्रिप्शन लेने की इच्छा हो कि मुझे अब सब्सक्रिप्शन लेकर के एक अच्छे से तैयारी करना चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, BIPIN10 के तहत जुड़ सकते हैं। यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने की इच्छा है, तो आपका शेड्यूल इस प्रकार निर्धारित किया गया है। यदि 2 वर्षों का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो यहाँ भी आपको हमारे कोड का यूज करना है BIPIN10। और इस प्रकार ये देख सकते हैं, ये आपका शेड्यूल है, ये आपका शेड्यूल है बेटा। आप यहां से भी इन बिंदुओं को ध्यान से देख सकते हैं। यदि आपकी इच्छा है कि मुझे सब्सक्रिप्शन लेकर के और तैयारी करनी चाहिए, तो बिल्कुल बेटा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेने के फायदा यह है कि आपको एक निश्चित समय अवधि में का सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी। तथा साथ ही साथ में रेज हैंड, हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है, रेज हैंड मीन्स जिसमें आप हमसे सीधा, हमसे आप बात करेंगे और बात करके अपने डाउट को क्लियर करेंगे। ये एक हम लोगों के लिए अनएकेडमी इस प्रकार आप लोगों के लिए लाई है रेज हैंड प्रोग्राम, और जिसमें आप डायरेक्ट बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। हम लोग फिर एक बात और समझिए बेटा, सभी लोग बेटा सेशन को लाइक करें, जरूर लाइक कर दें। यदि अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, तथा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब जैसे ही हमारी क्लासेस आए तो आप तक वो पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों। हम लोग फिर मिलते हैं कल 4 PM के साथ। हमारी ये 4 PM की क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, और कल बेटा लगभग मान के चलिएगा कि 2 घंटे की क्लासेस होगी, 2 घंटे की होगी, 2.5 घंटे की होगी। जब तक इंडस्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक क्लासेस कल चलती रहेंगी।